वेलकम टू माय गार्डन पॉइंट। दोस्तों, अगर किसी की किस्मत बलवान है तो वो कंटिन्यू तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तब हम लोग कहते हैं कि उसके ग्रह ऊंचाई पर हैं, उसके नौ ग्रह उसका साथ दे रहे हैं, बुलंदी पर हैं उसके सितारे। वो कुछ भी करे, परिस्थिति उसके विपरीत नहीं जाती है। बहुत मेहनत, ऑब्वियसली मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन अगर ग्रह साथ देते हैं तभी वो मेहनत भी सफल होती है। अगर ग्रह हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, हमें तरक्की नहीं मिलती है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। अब मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं, किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, अगर हमारे हमारे अगेंस्ट हैं तो वो झगड़ा बढ़ जाएगा और हमारा समय, धन, नाम सब कुछ बर्बाद होगा और हमारी परिस्थिति ऐसे परिस्थिति में घिर जाएंगे कि हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर करें तो क्या करें। ये सब ग्रहों का चक्कर होता है दोस्तों। और अगर ग्रह आपके अनुकूल हों, आपके ग्रह ऊंचाई पर, नौ ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, तो वो लड़ाई दो मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। दोस्तों, ग्रहों से ही हमें निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के भी संकेत मिलते हैं। अगर हमारे ग्रह हमारे खिलाफ है, हमारे नौ ग्रह हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो नकारात्मक शक्ति हमारे पर हावी हो जाती है। हम कुछ भी करते हैं, हम उसके बारे में निगेटिव ही सोचते हैं, हमसे सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है, हम कुछ भी सही नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आप कुछ भी करना चाह रहे हो, अच्छा करना चाह रहे हो, तो भी गलत हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, आपको उस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए, आपको एज इट इज़ सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आपको क्या करना है, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, मतलब आप भगवान की पूजा कीजिए और कुछ टाइम के लिए अपनी परिस्थिति को छोड़ दीजिए, क्योंकि उस टाइम आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ग्रह आपका साथ देते हैं तो दोस्तों, आप कुछ भी करें, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि आखिर इन ग्रहों को हम अपने फेवर में कैसे करें। बहुत कुछ करने को होता है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। और वो चीज़ें, सबसे पहले तो दोस्तों, घर की छत को हमेशा साफ रखें। राहु, केतु, शनि, ये अगर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो आप बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकते, और अगर ये आशीर्वाद दे दें तो तब अच्छा ही अच्छा है। दोस्तों, राहु केतु घर पर वास करते हैं, वो खुश रहेंगे तो ये समझिए आपकी लॉटरी लग जाएगी। दोस्तों, अगर शनि देव को खुश करना है तो हमें राहु केतु को भी खुश करना पड़ेगा। राहु केतु खुश हैं तो शनि ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं और उनके प्रतिकूल प्रभाव हमारे अनुकूल बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ऐसे पौधे के बारे में बताऊँगी जो अगर आपकी लाइफ में शनि का प्रभाव हो रहा है और सब कुछ परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो रही हैं और आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने घर के आगे शमि का पौधा लगाएं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी दो पौधों को शनि के प्रभाव को कम करने में बहुत सहायक माना गया है, एक शमि का पौधा और एक पीपल का पेड़। शमि का पौधा बहुत ज़्यादा प्रभावी माना गया है, जो शनि के प्रभाव को कम करता है, यहाँ तक कि उसके फूल और पत्तियाँ भी शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करती हैं। दोस्तों, अगर आप कर्जे में डूबते जा रहे हैं, आपको व्यापार में बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, दिन पे दिन नुकसान हो रहा है, आपके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब आपका मंगल ठीक नहीं है। और अगर मंगल ठीक नहीं है तो शनि का तो ठीक होना सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, अगर आप शमी का पौधा लगाते हैं तो आपका मंगल ठीक होगा, और मंगल ठीक होगा तो शनि भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनमें आपस में दोनों में बहुत गहरा रिश्ता होता है। अगर आपका शनि ठीक रहेगा, आपका मंगल ठीक रहेगा, शनि ठीक रहेगा, तो आपके पास पैसों की भरमार होगी, दौलत की भरमार होगी। दौलत ही पैसे ऐसी जगह से आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से और कैसे आ रहे हैं। आपका जो शत्रु हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, आपके मित्रों में बढ़ोतरी होगी, आपके जो आसपास का वातावरण है, आपके घर में खुशहाली आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, मतलब हर जगह पे आपका दिन पे दिन तरक्की होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आप इन सब निगेटिविटी से घबरा गए हैं, नकारात्मकता से घबरा गए हैं, तो आप इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए शमी का पौधा लगाएं। अब नया साल आ रहा है दोस्तों, नए साल में सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप शमी का, नए साल में अगर आप चार पौधे लगाएंगे, उसमें एक तुलसी का है, शमी का है, उसके वीडियो में अलग बनाऊंगी। अगर आप नए साल में शमी का पौधा लगाते हैं और उसको उसी तरह पवित्र रखिए जिस तरह से आप तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो आपके घर में
जैसे जैसे शमी का पौधा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका विकास होगा, वैसे ही वैसे आपके घर में भी, आपके व्यापार में, आपकी दोस्ती में, आपके धन में विकास होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप इस साल शमी का पौधा अवश्य लगाएं। शमी के पौधे को की कटिंग आप बिल्कुल उसकी कटिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग प्रूनिंग से क्या होता है दोस्तों, क्यों न्यू ब्रांचेज आती हैं, पेड़ आगे बढ़ता है, और अगर पेड़ आगे बढ़ेगा, शमी का पौधा आगे बढ़ेगा, तो ही आपका बिजनेस और आपकी प्रॉपर्टी भी आगे बढ़ेगी, आपके घर में भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो आप उसकी प्रूनिंग कीजिए, उसको हरा भरा रखिए, उसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं, लाइट उसको बहुत पसंद है, उसको धूप में रखने की कोशिश कीजिए और पानी उसको कम दीजिए, सूखा रखिए। दोस्तों, अगर आप शमी के पौधे को छत पर रखना चाहते हैं तो इसे दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, और अगर दक्षिण दिशा में पर्याप्त धूप नहीं आती है तो आप इसे पूर्व दिशा में रख सकते हैं। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, शमी के पौधे को साफ और सूखे स्थान पर ही रखें, उसके आसपास नाली या कूड़ेदान, ये कपड़े फैलाने का कुछ ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुकूल भी अगर आप घर के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपके पास पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार अगर शनि आपकी कुंडली को प्रभावित करता है तो आपको घर में शमी का पेड़ लगाना चाहिए। शमी का पौधा वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सीधी धूप न होने पर अगर आप उसे सीधी धूप नहीं दे पा रहे हैं और आपके दक्षिण दिशा में सीधी धूप नहीं है तो इसे पूर्व या उत्तर पूर्व में रखें। अगर ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों तो शमी का पौधा बाहर लगाएं, ताकि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। मेन तो दोस्तों यही कहा गया है कि आप शमी के पौधे को घर के बाहर उस साइड में लगाएं जहां पर अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत कंपलसरी है, ये लाइन बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। बाकी पॉइंट आपको ऐसे आप सहायक में कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कीजिए, लेकिन ये कंपलसरी है कि आप इसको घर के बाहर लगाएं और इस तरीके से लगाएं, इस दिशा में लगाएं। आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो आपके दाहिनी ओर ये पड़ना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में शमी का पौधा लगाने का उपयुक्त समय और दिन दोनों बताया गया। इस पौधे को लगाने का सबसे अच्छा दिन होता है शनिवार, क्योंकि शमी का पेड़ शनि महादेव को दर्शाता है, इसलिए घर में शमी का पेड़ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे शनिवार के दिन लगाइए। शमी का पौधा कहाँ लगाएं ये आपको मैं बता चुकी हूँ, आप इसको घर के बाहर लगाएं, मुख्य द्वार के पास लगाएं। आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो आप इसे गमले में लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और उसको तुलसी की तरह पवित्र मानकर उसको केयर करते हैं तो वो बहुत पॉजिटिविटी रखता है, शनि के प्रभाव को 100% कम करता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके सामने ऐसी और बहुत सारी वीडियो लेती आऊँ। इस नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, मैं आपको दूसरे नेक्स्ट लक्की प्लांट के बारे में बताऊँगी। ये शमी का लक्की प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया कि शमी के पौधे से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी, अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों।